नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में जो प्रदर्शन किया, हमारे देश का नाम जिस तरह रोशन किया, और इसीलिए उनको डेडिकेट किया गया। उनके सम्मान में 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाना तय हुआ। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया, जो हमारे देश का सबसे सम्माननीय पुरस्कार माना जाता है। मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरे पिताजी लेट श्री एडी व्यास जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स को डेडिकेट किया था। हमारे स्टूडियो में हमने ऐसे कोच और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बुलाया है, उनसे पहले मुलाकात करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात होती है तो इंजरी की बात भी होती है, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर जयमीन सर का। बहुत स्वागत है। जो वडोदरा शहर में एक ऐसा अस्पताल उन्होंने बनाया है, जो गुजरात का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो स्पोर्ट्स इंजरी पे काम करता है। डॉक्टर जयमीन जसलपुरा इस वैश्वी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं रविंद्र सर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। बहुत स्वागत है सर आपका। नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, खिलाड़ी नए तैयार कर रहे हैं। लक्ष्मण करंजगांवकर सर, जिन्हें कौन नहीं जानता, बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत स्वागत है। एथलेटिक विशेषज्ञ हैं। जब भी VNM को खेल उत्सव करना होता है, सबसे पहले लक्ष्मण सर को याद किया जाता है। और लक्ष्मण सर अभी पेरिस ओलंपिक में बतौर ऑब्जर्वर जाकर आए हैं, वहां के अनुभव के बारे में भी हम जानेंगे। हमारे जो तीसरे मेहमान है हेमंत सर, बैडमिंटन विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील व्यास सर, टेनिस विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है। किक बॉक्सिंग से विशेषज्ञ है जयेंद्र कोठी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र सर, युवा एथलीट के विकास के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है? आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे युवा खिलाड़ी हम तैयार करते हैं, जी जी, तो मेजरली जो की कंपोनेंट्स हैं, बहुत अच्छा कोट भी है कि द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना ज्यादा पसीना हम स्टार्टिंग में करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, अपना एक खून हमें कॉम्पिटिशन टाइम में बहाना पड़ता है। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेजरली 3 कंपोनेंट है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज है, और उसके बाद आपके रेस्ट और रिकवरी। तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं जनरल वे में बात करूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, सबको अपना जो कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है, मसल स्ट्रेंथ है, मस्कुलर इंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी कंपोजिशन है, ये सब कंपोनेंट्स पर काम करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम करते भी हैं। लाइक वॉकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, हम घर के रूटीन वर्क करते हैं जिसमें हमारी सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं। बट अगर कोई बच्चा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तरफ देखता है तो स्किल कंपोनेंट जितने हैं उस पर भी काम करना पड़ता है, जिसमें एजिलिटी है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, रिएक्शन टाइम है, स्पीड है, पावर है, इन सभी कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। जी। और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल है, उनका जो बेस है, वो ये सब कंपोनेंट्स ही हैं। जी। आप कोई भी गेम देखिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर फुटबॉल की बात करूँ तो एक्सपोज स्ट्रेंथ चाहिए आपको, कार्डियोस्पिन एंड्योरेंस चाहिए। वॉलीबॉल की बात करूँ तो भी आपको एक्सप्लोजिव पावर चाहिए, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। हर एक गेम में कोई ना कोई कंपोनेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि इफ यू कांट रन यू कांट पार्ट इन रनिंग इवेंट्स, इफ यू कांट स्विम यू कांट पार्ट इन स्विमिंग इवेंट्स, इफ यू कांट कैच यू कांट पार्टिसिपेट इन बॉल गेम्स। तो ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं या जितने भी कोचेस सुन रहे हैं, जितने अभिभावक सुन रहे हैं, उनको बच्चों के बेसिक फंडामेंटल इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको जो भी की कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के हैं उन पे ज़्यादा काम करना होगा। सेकेंडली बात करूँगा मैं न्यूट्रिशन की, कि जितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इन सबको पर्याप्त मात्रा में बच्चों को हमें देना होगा। उनकी ईटिंग हैबिट्स हमें इम्प्रोवाइज करनी होगी। जो भी जंक फूड हैं या जो भी ऐसे फूड्स हैं जो कि बच्चों को हार्म करते हैं, उनसे हमें बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि उनके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक बच्चा उन चीज़ों में पार्ट नहीं ले पाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिकवरी, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हमने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे,
तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि वो अपने रिकवरी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज 8 to 10 hours अगर रिकवरी मिलती है तभी आपकी बॉडी चार्ज अप होती है नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के लिए। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं या जो स्पोर्ट्स में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, आइदर मोबाइल फोन्स हैं या आप लेट नाइट मूवीज वॉच करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट सेट कीजिए आप कि हार्डली गो फॉर 1 hour, नॉट मोर देन दैट, और उसके बाद अपने रिकवरी पे फोकस करना है। बेस्ट प्रिंसिपल जैसे हम कहते हैं कि 10,000 hours और 10 years, इफ़ यू डेडिकेटली पुट, अगर आप 10,000 घंटे किसी ट्रेनिंग मेथड पे या किसी भी गेम पे दे रहे हैं या 10 साल आप किसी पे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। गुजराती में एक कहावत है, मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि कहीं पण काम करो ने तो 1:10 को आपवो જોઈએ, તો તમે સફળતા તમને મળે મળે અને મળે જ। लक्ष्मण सर, पेरिस चलते हैं आपके साथ क्योंकि आप पेरिस ओलंपिक जाके आए हैं, तो वहां के अनुभव सबसे पहले बांटें। मेरे लिए तो एक सुनहरा ये मौका था, लाइफ टाइम मौका था जी। क्योंकि पेरिस है ऐसा शहर है कि हम तो सब जानते हैं कि बहुत सुंदर सा शहर है, लेकिन पेरिस के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट ऐसा अभी हुआ कि आज से 128 साल पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई, मॉडर्न ओलंपिक की। वो शुरू करने वाले भी जो व्यक्ति थे वो फ्रांस के थे, जिनका नाम था बैरन डी कुबित्रे। 1900 साल में यानी मॉडर्न ओलंपिक शुरू होने के बाद जो दूसरा ओलंपिक जो शुरू हुआ वो पेरिस में हुआ था। उसके बाद 1924 में जो ओलंपिक हुआ वो भी पेरिस में हुआ, और उसके बराबर 100 साल के बाद यानी 2024 में जो ओलंपिक हुआ वो भी पेरिस में, और वो ओलंपिक देखने का मौका जो मुझे मिला है, तो वो तो मैं हमेशा के लिए, मेरे लिए क्या एक अनमोल ऐसा ये हो गया है, गिफ्ट हो गया है। और जहां तक पेरिस ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, तो वहां मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया और जो अनुभव मुझे मिला है वहां से, बहुत सारा सीखने जैसा है जी। कि उसके लिए भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, मैं वडोदरा शहर के लिए, गुजरात के लिए ऐसा कोई काम करूँ कि जो अनुभव मुझे पेरिस में मिले उसका फायदा, उसके एडवांटेजेस मेरे शहर के और गुजरात के खिलाड़ियों को मिले। ध्यानचंद जी का भी वडोदरा से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि वो पुराना नाता ऐसा है, 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था वो ओलंपिक में बड़ौदा से खुद महाराजा सयाजीराव और उनके साथ और 4 जन की जिन्होंने बर्लिन ओलंपिक अटेंड की थी। साथ साथ में एक हॉकी का, अगर आप मुझे परमिशन देती है तो मैं हॉकी का एक किस्सा सुनाता हूँ कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में फाइनल में इंडिया वर्सेस जर्मनी थी, क्योंकि उसके पहले भी 2 बार इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट थी 1932 एंड 1928 में। तब ये तीसरा मौका था, हमें गोल्ड मेडल ही लेके वापस आने का था, लेकिन हुआ ऐसा कि हाफ यानी हॉकी का जो मैच शुरू होने के हाफ टाइम तक जर्मनी नील थी और इंडिया भी नील था, वो भी चैंपियन होने के नाते भी वो नील था। तो उस टाइम महाराजा सयाजीराव वहां स्टेडियम में थे, उन्होंने ऐसा देखा कि भाई ये जब इंडिया में प्रैक्टिस करते थे तो बेयर फुटेड प्रैक्टिस करते थे, वहां जर्मनी में जाके उन्होंने बूट पहन के वो खेलते हैं शुरू किया जी। तो वही कुछ ऐसा एक रीजन हो सकता है कि अभी तक एक भी गोल हुआ नहीं, एक चैंपियन टीम खेल रही है लेकिन गोल हुआ नहीं। बाद में सयाजीराव ने ध्यानचंद जी से बात करके उनको ये सलाह दी कि आप बूट निकाल के बेयर फुटेड आप खेलो, आप आपका ओरिजिनल जो खेल है जो इंडिया में आप खेलते हैं वैसा ही खेल वो बेयर फुटेड से होगा। वही सलाह मान के बाद में सेकंड हाफ में मुझे जहां तक पता है 8-0 से जर्मनी को हमने परास्त किया था। 128 साल हुए ओलंपिक शुरू होके, अभी तक गुजरात में से खाली 3 ही ओलंपियन से हुए। शुरू के 2 जो ओलंपियन थे वो बड़ौदा से वाले थे, 1936 में शंकर राव थोरात, कि उन्होंने रेसलिंग में
ब्रिटिश इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद 1960 रोम ओलंपिक हुआ था, तो रोम ओलंपिक में गोविंदराव सावंत ने हॉकी में पार्टिसिपेट करके हमारे देश को सिल्वर मेडल दिया था। तो मैं कहने का मतलब यह है कि बड़ौदा का जो कंट्रीब्यूशन है खेलकूद में गुजरात में तो इंडिया में वो सबसे ज्यादा रहा हुआ है, और बड़ौदा शहर ने ही गुजरात को सबसे पहले दो ओलंपिक दिए। जी जी हेमंत सर, आजकल जो 20 साल से कम उम्र में ACL इंजरी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये चोट का सामना जो करना पड़ता है खिलाड़ियों को, और वो भी अर्ली स्टेज चोट के कारण, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमारी कितनी भी फिजिकल फिटनेस हो, हर एक स्पोर्ट्स में डिफरेंट मसल्स का जरूरत होता है, मसल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, विच जो बच्चों को वो हिसाब से ट्रेन करना होता है। नॉर्मल कंडीशन में हम जैसे रात डिनर करने बैठते हैं और खाना लाइट चली जाती है तो खाना मुंह में ही जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। जी 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 जी, हमारा माइंड है। आप ये भी देखिएगा, अगर चम्मच से खा रहे हो तो नहीं जाएगा मुंह में सीधा, वो उतना डिस्टेंस एक एक्स्ट्रा हमने एमिनिटी ऐड किया तो वो भी हमको प्रॉब्लम करती है। सो फिजिकल फिटनेस अपनी जगह पे है, पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं, शेडोज हैं, वो जितना रेगुलर करवाओगे, दे कन्वर्ट देम इनटू मसल मेमोरी में कन्वर्ट कर दोगे उसको अगर, तो ये इंजरीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में लोड होता है, जर्क्स होते हैं, ब्रेकिंग मोशंस होते हैं, तो ये हर एक चीज के अंदर मसल्स को जब तक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन नहीं करोगे तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बैडमिंटन में सबसे ज्यादा लंजेस, और हम वो लंजेस एंड ब्रेक, हम नॉर्मल एक्सरसाइज में लंजेस रूटीन स्मूथ मोशन में करते हैं, बैडमिंटन में स्मूथ मोशन नहीं होता, इट्स अ जर्क एंड यू कम बैक, तो अगर वो नहीं सिखाया और उसके लिए मसल्स को ट्रेन नहीं किया तो ये ACL है, काफी मसल्स के हैमस्ट्रिंग्स से लेकर के काफ से लेकर के हर मसल्स के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। जी जी सुनील भाई, टेनिस जैसे हर एज ग्रुप भी जुड़ता है, टेनिस स्पोर्ट्स ऐसा है जहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंसिडर किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि टेनिस या काफी सारे रैकेट स्पोर्ट्स में जी बहुत अर्ली एज में बच्चे पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं, सीखना चालू करते हैं, कि दो दो फैक्टर है, एक है जो कुछ बच्चे कंपैरेटिव बनना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो कंपैरेटिव नहीं बनते इमीडिएटली, लेकिन उनकी एज के हिसाब से हम लोग को कोचिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है, ये ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज अंडर 10 की एज में इनको टूर्नामेंट खेलने जाना पड़ता है, टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, तो हर बॉडी कितना लोड ले सकता है उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की जाए, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि कोई 10 साल का बच्चा तो उसको 1000 स्किपिंग करा लूँ या उसको डंबल्स लेके वेट ट्रेनिंग करा लूँ, ये नहीं होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उनकी सही तरीके से उनकी लोडिंग हो उनके बॉडी के ऊपर जो उनके शरीर के लिए अनुरूप हो। दूसरा एक होता है जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ती जाती है, तब उनकी फिजिकल इनपुट बहुत बढ़ जाती है, उनके फिजिकल ट्रेनिंग, हम लोग ऐसा सोचते हैं अगर आप 1 घंटा ऑन कोर्ट ट्रेनिंग करते हैं तो आप 2 घंटा ऑफ कोर्ट ट्रेनिंग करते हैं, ये जब व्हेन वी गेट इनटू कंपटीशन, उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत शरीर को काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं, उस दौरान आप उनको एक जो एक फेज होते हैं उस वाले सिस्टम में एंटर करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत सारी ज़्यादा होती है, उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो एक फेज होती है जहाँ से हम शुरू करते हैं वो होती है ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज के बाद होती है उनकी कंपटीशन फेज, और कंपटीशन के बाद होती है रेस्ट फेज। इन तीनों फेज के दौरान उनको सही तरीके से उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी ट्रेनिंग हो, कंपटीशन के दौरान उतना ट्रेन नहीं करते हैं हम क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन के दौरान थकना नहीं होता है, लेकिन उनकी बेसिक ट्रेनिंग चालू रहती है, वो खत्म होने के बाद उन्हें थोड़ा सा रेस्ट फेज मिलता है। ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो कम इंजर हो और अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते रहें। दूसरा ये हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है उस दौरान उनको जो टेक्निक सिखाई जाती है वो बहुत सही हो, आई मीन टेक्निकली इट हैज़ टू बी राइट, अगर कहीं टेक्निक में कुछ गड़बड़ होती है तो वो उनको इंजरी में कन्वर्ट होती है, इंजरी में कन्वर्ट होती है तो फिर एक आप विशेष साइकिल में घुस जाते हैं, फिर आप इंजरी को ट्रीट करते हैं, बाद में रिहैब में जाते हैं, आप वापिस चालू करते हैं, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम खो देते हैं। सो ये कोशिश रहती है कि बच्चा कम से कम इंजर हो, और हम ये कोशिश करते हैं, बट
जरूरी होता है कि हमारी एक टीम हो. जब कोई बच्चा कंपेरेटिव बनता है तब ये जरूरी होता है कि सिर्फ कोच अकेला इसमें रोल प्ले नहीं कर सकता. हमारे साथ एक अच्छा फिजियो होना जरूरी होता है, एक अच्छा ट्रेनर जो उनको फिजिकल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग को संभाल रहा हो, और बहुत अच्छे डॉक्टर जो डॉक्टर जैसल पर आए, जिनकी हमें कंसिस्टेंटली हेल्प की जरूरत होती है. तो हम प्लेयर को पूरा होलिस्टिकली, इनको हम न्यूट्रिशन को भी ख्याल रखना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि उनका न्यूट्रिशन जो उनको जरूरी हो उतना प्रोवाइड कर पाए उनके फैमिली. पेरेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं कि आपको कैसा खाना देना है. किकबॉक्सिंग की जब बात आती है तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मजा तो बहुत आएगा मगर लगेगी बहुत, मार तो खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी. तो ये स्पोर्ट में इंजरी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं? ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो, प्रॉपर वे से बच्चे को हम ट्रेन नहीं करेंगे, अगर बच्चा ट्रेन नहीं हुआ तो चालू प्रैक्टिस में भी वो इंजर्ड हो सकता है. तो सबसे फोकस और सबसे बड़ी बात सर ने बताई वो सही है कि उसका ट्रेनिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए. काफी सारे बच्चे मेरे वहां आते हैं यूट्यूब पे देख के, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर कोई फ्रेश बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसको मुझे सिखाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन ये यूट्यूब वाले जब बच्चे आ जाते हैं ना मेरे पास, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम फिट हो जाता है. आधा नॉलेज वाला, वो टेक्निक को निकालने के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है, मतलब वो प्रोग्राम को हटा के फिर मुझे नई तरीके से उसको ट्रेन करना पड़ता है. क्योंकि अगर प्रॉपर डाइट नहीं है बच्चे का, अगर प्लेयर अच्छा डाइट नहीं ले रहा है, प्रोटीन नहीं इंटेक कर रहा है, फाइबर्स है, मिनरल्स है, जो भी मतलब फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर वो नहीं ले रहा है तो भी वो बच्चा प्लेयर इंजर्ड हो सकता है. जी जी. तीसरी बात मैं बताऊंगा, अगर वो प्लेयर कंपटीशन में जा रहा है, कंपटीशन में अगर खेलने जा रहा है, खेलने से पहले 10 मिनट्स पहले अगर वो कार्डियो करके अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेगा, बिना कुछ करे डायरेक्ट अगर वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पे भी इंजर्ड होने के 100% चांसेस है. प्लेयर को खुद का पास का जो भी हिस्ट्री है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके क्लियर करके ही फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि अगर प्रीवियस कोई इंजरी है, अगर हमने बताया नहीं है और कोच को भी नहीं पता है, अगर वो खेलने चला गया और वही पार्ट पे अगर इम्पैक्ट आया है, वहीं पे पंच लग गया, किक लग गया, तो मे बी बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, तो काफी सालों तक खेल नहीं सकता है. तो ये भी ध्यान देना है प्लेयर को कि उसका डाइट, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट, और ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन करना बहुत जरूरी है. काफी सारे मैंने बच्चे देखे हैं कि वर्कआउट के बाद कूल डाउन नहीं करते हैं, तो कूल डाउन करना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरे दिन क्रैम्प आना ही है, वो क्रैम्प आएगा ही आएगा, लैक्टिक एसिड बॉडी में इंक्रीज होगा तो क्रैम्प आ ही जाएगा. तो वर्कआउट के बाद जो रेस्ट लेना है और कूल डाउन करना है वो बहुत जरूरी है, थोड़ा हल्का सा स्ट्रेचिंग करना है वो करें ताकि इंजरी से बच पाए हम. जी, अब बात इंजरी की हो ही रही है तो डॉक्टर साहब का जो स्पेशलाइजेशन है स्पोर्ट्स इंजरी में, उन्हीं से बात करते हैं. स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा ऐसा अलग तरीका अपनाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है जी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज वन ऑफ द सब स्पेशलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन. ऑर्थोपेडिक जी. सो जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजर्ड पर्सन हमारे पास आते हैं तो एज एन ऑर्थोपेडिक पेरेंट्स या तो स्पोर्ट्समैन के दिमाग में सिर्फ एक एक्सरे बैठता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारा एक्सरे निकाल के हमारा ट्रीटमेंट करेंगे. लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग है इन स्पोर्ट्स इंजरी, वी एग्जामिन दिस पेशेंट्स डिफरेंटली, वी इवेल्युएट देयर ज्वाइंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ लिगामेंट, मेनिस्कस इंजरीज, गद्दी का जो इंजरी हम बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, मसल स्ट्रेन बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, तो ये सब हम एग्जामिन करते हैं. साथ साथ में एक्सरे के अलावा MRI इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विच ऑल स्पोर्ट्समैन या पेरेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स किड्स शुड बी नोइंग कि आपको मिस नहीं करना है स्पोर्ट्स इंजरी को. अगर मिस नहीं करना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने कहीं पे भी लिया है, एक्सरे हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दर्द, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास जाना है या एटलीस्ट MRI करके पूरा डायग्नोसिस
करना जरूरी है। मोस्ट कॉमन इंजरी स्पोर्ट्स में वो कौन सी है और कैसे ट्रीट की जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे साथ स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स कोच है जो खुद खेले हैं जी, एंड दे ऑल आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर कि स्पोर्ट्स इंजरी ना हो जी, किस लेकिन अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसके लिए डॉक्टर साहब हैं। या राइट, सो ऑल स्पोर्ट्स आर डिफरेंट स्पोर्ट्स, लाइक फुटबॉल और किक बॉक्सिंग की बात करें तो इट्स मोर ऑफ कॉलिजन स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है, टेनिस है, सो दीज आर ऑल रैकेट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स है, इट रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी इन ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऑल जेवलिन थ्रो, सो सब इंजरीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। लेकिन अगर कॉमनली हम बात करें नी शोल्डर इंजरीज की, तो नी में आपने बताया, हेमंत भाई से बात हुई कि ACL इंजरी, पिवोटिंग, तो ये जो पिवोटिंग स्पोर्ट्स है, जब फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसमें लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरी काफी ज्यादा है। टेनिस प्लेयर्स हैं, टेनिस में जो लोग लंबे समय से खेलते हैं और जो वीकेंड्स में खेलते हैं, हम उनको मेडिकल लाइफ में वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रेन देयर बॉडी और फिटनेस नहीं होती और आप सैटरडे संडे खेलने चले गए, नवलखी ग्राउंड भरा पड़ा रहता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए जी। या सो मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी व्हाट आई हैव सीन इज मोर द एथलीट हु इज इन द कॉम्पिटिटिव स्टेज और इन द वीकेंड प्लेयर्स, तो उनको रिपीटेटिव इंजरी, शोल्डर इंजरीज काफी ज्यादा होती है जी। एथलेटिक्स में आई हैव सीन इन ट्रिपल जंप प्लेयर्स, लॉन्ग जंप प्लेयर्स, हिप इंजरीज आई हैव सीन, सो एंड किकबॉक्सिंग की बात करें तो उसमें यस फेशियल इंजरी, हेड इंजरी इज क्वाइट सीवियर एंड सीरियस, बट इट्स वेरी इनफ्रीक्वेंट एज जेंद्र भाई पॉइंटेड आउट, बट ये सारी डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट इंजरीज हम देखते। बायो मैकेनिक्स ये जो शब्द है उसे कई लोग अभी भी अनजान है, तो स्पोर्ट्स इंजरी को रोकने के लिए बायोमैकेनिक्स की क्या भूमिका है? हम सब ने कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में घर बनाया है या कंस्ट्रक्शन साइट्स हमने देखी है, तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता है कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिजाइन देता है उसके मुताबिक आर्किटेक्ट भी काम करता है, तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर there is a biomechanics. Biomechanics. So every joint, whether it is a hip joint, shoulder joint, knee joint, it has got its own biomechanics. So I feel all coach, learned coach, they know about it. They make their players aware of it. What is important in joint biomechanics is not only strengthening, it is strengthening and balancing. Reaction time. So all these three things are very important in knee joint, shoulder joint in particularly, because shoulder is most mobile joint of our body. So it has got highest chance of injury. So you need to play, to do a good serve in tennis, to hit a shuttlecock hard in, to smash in volleyball or in badminton. So you need that strength, but at the same time you need the balance as well. So the same that your torso, your posture, all these things combines in the biomechanics. Sports injury ko treat karne ke liye kya advanced technology, kya advanced equipment available hai? स्पोर्ट्स स्पेशलिटी की अगर बात की जाए तो आज से 22-23 साल पहले की बात करें तो हम सब लोग लिगामेंट सर्जरीज ओपन करते थे, अगर ACL करना है तो पूरा नी जॉइंट को खोलना पड़ता था, उसको देख के ही हम पूरा सर्जरी करते थे आज से 20-25 साल पहले। अब वही सर्जरी हम काफी कम समय में और वेरी प्रिसीजन विदाउट कटिंग, इट्स अ की होल सर्जरी, and what is most important is anatomical reconstructions. उसका मतलब है भगवान ने जो लिगामेंट जिस जगह पे दिया है
जो गद्दी को जिस जगह पे जिस पोजीशन में उसका फंक्शन है उसको रिक्रिएट करना जी, तो जी। आज स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम मिनिमली इन्वेसिव की होल सर्जरी से दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपी से उसको हम उसके जगह पे रिक्रिएट कर सकते हैं जी। भाई वी कंसीडर हिम एज अ वेरी पायस पर्सन फॉर एंड अ प्रिसिजन पर्सन फॉर स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन जी जी। वन लिगामेंट सब्स्टिट्यूट सर्जरी व्हिच आई विटनेस विद हिम जी, he mentioned this person is a football player, his legs movement stretching should be up to this level, so the ligament that I have to set has to be that flexible replacement with that length and strength so that is what makes him a precision repairer of sports person. He considers this everything, he has knowledge of the sports, different sports mein kya movement hai, joint ko kitni flexibility deni hai, wo hisab se wo tendon select karte hain, wo hisab se wo length dete hain, wo hisab se wo फिक्स करते हैं उनको जी जी। दैट इज व्हाई वी कंसीडर हिम एंड हम टेंशन लेस हो जाते हैं कि हम जेमिन भाई के यहाँ है, हम अपने थोड़े दिन में खेलना शुरू कर देंगे रिपेयर होके। बीइंग अ स्पोर्ट मेडिसिन डॉक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग आउट कि क्या हुआ है और उस इंजरी को उन्होंने रिपेयर किया, वो सिर्फ नहीं है, इनकी चैलेंज क्या होती है कि उस प्लेयर को उन्होंने ठीक तो किया लेकिन उस प्लेयर के जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो जो इंजरी के पहले था वहां तक लाके उसको वापिस छोड़ना है, वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं समझता हूँ। जैसे अभी 3 या 4 दिन पहले मेरा एक शोल्डर प्रोसीडर इन्होंने किया हुआ, अब इन नॉर्मल केस शायद ये जरूरत नहीं पड़ती किसी फॉर अ कॉमन पर्सन, लेकिन बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल मुझे अपना परफॉर्मेंस अटमोस्ट रखना है, जिसके लिए इनके सजेशन और इनके गाइडेंस में आई हैव टू गो थ्रू अ स्मॉल प्रोसीजर, तो अब मुझे पता है कि अगर वो नहीं करता तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 100% के बजाय 75% होता, बट आफ्टर दिस आई एम गोना गो बैक टू 100%। सो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट करने की जो मेन गोल और टारगेट है वो ये नहीं है कि इसको ACL टेयर हुआ तो ठीक हो गया, ACL टेयर को उनको रिस्ट्रक्चर करने के बाद वो प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो लेवल तक जाता है, वो उनका मेन गोल होता है। जब से हमारे एसोसिएशन में वैसे हॉस्पिटल मेडिकल पार्टनर हुआ है तो हमने एक प्लान किया कि हम ट्रेनिंग गेम का ऑर्गेनाइजिंग करें जी। ट्रेनिंग गेम में हमने जमीन सर और उनकी टीम को इनवाइट किया कि आप एक स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज दे जी। आप बिलीव नहीं करेंगे मैडम, सर के सेशन के बाद आज तक हमारा एक भी बच्चा इंजर्ड नहीं हुआ। क्या बात है, ये नॉलेज भी बड़ी बात है। ये थैंक यू सर। एम टू हैव जो ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन परफॉर्मेंस है, द व्हाट इज एम ऑफ ओलंपिक इज टू get the best out of our physic and psychology both together. और आपने जो बात की मैं थोड़ा add on करूंगा, please. जैसे हेमंत भाई ने बताया, सुनील भाई ने बताया कि it is not only about doing surgery, it is about doing it with precision, learning new things, getting updated in your field constantly. It's not only about infrastructure. It is making the player to play at highest level on ground, and that is something we would like to achieve in each and every of our player in बिल्कुल गुजरात का एक ऐसा हॉस्पिटल है वैश्वी हॉस्पिटल जो वडोदरा में स्थित है, और वहां पर स्पोर्ट्स इंजरी को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, रिहेब सेंटर भी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि हमारे वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है कि वो अपने खिलाड़ियों को बहुत सही तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल जाए, और उनकी तो कोशिश होती है कि उनको इंजरी हो ही ना, मगर इनकेस हो जाती हैं तो बहुत सही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अभी क्या एडवांस ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे नई पीढ़ी को और ज्यादा स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए, उसे और ज्यादा विकसित करने के लिए? अभी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जैसे अमेरिकन मॉडल है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान, LTD प्रोग्राम्स, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने प्रोग्राम्स है। यूएस अपना प्रोग्राम करता है, चाइना अपना प्रोग्राम करता है,
कनाडा अपना एलटीडी प्रोग्राम कर रहा है, इसी तरह सबके अपने अपने प्रोग्राम है। अभी जो हमारे इंडिया में मैं देख रहा हूँ और जो हमें दिख रहा अच्छे से कि अभी हमारे अर्ली स्टेज से लेकर पोडियम फिनिश तक हमारी प्लानिंग चल रही है, अलग अलग इंसेंटिव्स लिए जा रहे हैं उसके अंदर इनिशिएटिव। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब आप ओलंपियन देखते हैं मोस्टली ओलंपियन हमें मिलते हैं कॉलेज लेवल से, आफ्टर 12 पास करते हैं उसके बाद उनका पूरा मैच्योरेशन आता है, पीएचवी पीक हाइट वेलोसिटी हम कहते हैं कि उस लेवल पे सब कुछ उनका तैयार हो जाता है, उनके हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, तो वहां आने के बाद वो अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं जो बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं, अब उनके जो मैचेस हैं उनके गेम्स हैं मीडियाज पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, तो उनसे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वो अपने आप को ज़्यादा एक्यूब फील कर रहे हैं। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब्स स्टेब्लिश हो रही है, हमारे गुजरात में भी नडिया सेंटर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर डेवलप किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने, जो कि अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। तो ऐसे कई सेंटर्स खुल रहे हैं और सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो लिया रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है। आप देखिए इंडिया में अराउंड 10-12 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स से लगती है, जो भी मैकेनिक्स जैसे सर ने बताया, बायो मैकेनिक्स है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब्स है, अलग अलग लैब्स आ रही हैं जहाँ पर वो अपने आप को कैपिटलाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल इमोशनल वोकेशनल, किसी तरीके से आप लीजिए हर तरीके से बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा है। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बात नहीं हो रही, वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो रही है, किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा वो बात हो रही है, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे मैं मानता हूँ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी गेम हो कोई भी स्पोर्ट्स हो अल्टीमेटली जो ग्रोथ प्लेट्स हैं हमारी जैसे कार्टिलेजेस हैं लिगामेंट हैं टेंडन्स हैं आपके जो भी ये मसल्स हैं उन सबको बिल्डअप करने के लिए जो ग्रोथ प्लेट को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि बच्चा खेल के आता है उसके पास 5-6 साल रहते हैं कि वो अपने आप को ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने तैयार कर ले, क्योंकि एट द एज ऑफ 24-25 उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो मसल्स है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं रह पाते बिकॉज ड्यू टू एज। आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 4-4 ओलंपिक्स खेले हैं, तो उनकी बहुत कम नंबर्स हैं ऐसे प्लेयरों की, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर जो बेस्ट ऑप्टिमम मॉडल मेडल देते हैं वो 28 ईयर्स में दे देते हैं। तो हमारे पास जो 5-6 साल है उसमें अपने आपको ट्रेन भी करना है, स्ट्रेंथन भी करना है और मेडल भी गेन करना है। और मैं कहूँगा मेडल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ऐसा लेवल पे फिनिश करें कि आप सबके लिए एग्जाम्पल बन जाए। देन हाउ टू लर्न हाउ टू ट्रेन हाउ टू ट्रेन टू ट्रेन हाउ टू विन द मेडल इन कॉम्पिटिशन, हर एक स्टेज के लिए उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो ये चीजें जब ग्रास रूट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोचेज हैं या स्टेट लेवल के कोचेज हैं उनके ऊपर आएगी तो डेफिनेटली हमारा जो इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का वो ग्रो करेगा। और ये हो भी रहा है, काफी जगह वर्कशॉप्स हो रहे हैं कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, और मैं कहूंगा कि ये जो हमारा आज प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सब बैठे हैं वो भी शेयरिंग ऑफ द नॉलेज है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको एक अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है, अलग अलग जैसे सर ने अपने अपने व्यूज दिए कि डाइट कैसी रखनी चाहिए, हमें प्लेइंग से एबिलिटी कैसे एनहांस करनी है, हमें इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब चीज हम शेयर कर रहे हैं। तो जब आपके इग्नाइटेड माइंड्स जुड़ते हैं ऐसी चीज मिलती है तो डेफिनेटली पूरे जितने भी कंट्री में है जितने लोग हैं सबको बेनिफिशियल होता है, हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में और अच्छा ग्रो करे। डेफिनेटली अपकमिंग 2036 जिसकी हम सब होप कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम होस्ट करें तो उसमें हमारे मेडल्स बहुत अच्छे हों और हम बाकी कंट्रीज के सामने एक अच्छा एसेट एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि टॉप 10 में आके हम फिनिश करें। करंज गांव का उभरते एथलीट जो है और अभी जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं प्रोफेशनली सिखा रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? एक चीज की मैं हमेशा कमी देखता हूँ वो मेरा खुद का ओपिनियन है कि हमारे प्लेयर में कोचिस सपोर्टिंग जो स्टाफ है जो खेल कूद के लिए रात दिन काम करते हैं, जैसे एक ओलंपियन को तैयार करने के लिए कम से कम 8-10 साल जाते हैं, लेकिन एक चीज में हमेशा इस तरह के महसूस करते कि हमारे पूरे सिस्टम में अथवा हमारे प्लेयर है अथवा कोचिस है ट्रेनर है सपोर्टिंग उसमें एक देश भावना होनी चाहिए, देश अभिमान की जो भावना होनी चाहिए वो हम मैं खुद वो कमी उसके महसूस करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बीजिंग ओलंपिक अटेंड किया था 2008 में और वहां मैंने ऐसा देखा था कि वहां का जो ट्रेनिंग होता है अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग तो उस पर सुपरविजन कौन करता है? खाली कोच नहीं करता, कोचिस पर सपोर्टिंग स्टाफ पर प्लेयर पर
उन सब पर जो सुपरविजन करने वाला आदमी होता है ना, वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कि राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। हमारे यहां नहीं, ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी कुछ कमी है। ऐसा मैं कितने सालों से महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय भावना तो होनी चाहिए कि जब मैं एक हमारे देश को ओलंपिक जैसे लेवल पे मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो मैं जो खेल रहा हूं, मेरा जो परफॉर्मेंस है, वो मेरे देश के लिए है। तो खेल में थोड़ी राष्ट्रीय भावना आने की जरूरत है, और उसके लिए हम सब मिलके उसके लिए कुछ प्रयास ऐसा अलग सा करना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ। बहुत सही बात बताई, हमें देश के लिए खेलना है। अगर हम खेल रहे हैं तो देश के लिए खेले, खेल तो रहे ही हैं, तो क्यों ना हम वो पूरा डेडिकेशन हमारे देश के प्रति ही समर्पित करें। चोट लगने के बाद एथलीट वापस खेलने तैयार हो, अभी हमने जिक्र भी किया कि आपका चैलेंज वो है कि आप उसे वापस मैदान पर भेजें, वैसा ठीक करके भेजें। तो जो चीजें आपको देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान रखना है, वो क्या होते हैं? कोई भी स्पोर्ट्समैन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहा है जी। उसके लिए जिस तरह सबने शेयर किया उसी तरह इट रिक्वायर्स अ बिग टीम। सो मैं एज अ डॉक्टर आई विल बी ऑपरेटिंग एट इन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड फेथ फॉर द पेशेंट। लेकिन उसके बाद उसका जो रिकवरी टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी है, उसके बाद कोच का भी उतना ही इसमें योगदान हमें चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सो व्हेन एवर सम प्लेयर कम्स टू अस, वी ऑलवेज आर इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल अवर कोचेस। व्हाट वी ऑलवेज शेयर अवर व्यूज, फाइंडिंग्स एंड पेशेंट्स, या तो स्पोर्ट्समैन का जो खुद का फिटनेस है, वो कई बार वो इंजर होता है तभी स्पोर्ट्समैन को भी मालूम पड़ता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, है। oh. और that is something what we have picked up as a doctor first time. जी, जी. तो एक पूरा टीम अप्रोच है और ये टीम अप्रोच के साथ ही उसको हम वापस कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जा पाते हैं। आखिर में वन वन लाइनर कि आप जो भी खिलाड़ी को तैयार करते हैं उसे उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां वो पहुंचना चाहता है, जहां हमें हमारे देश को, हमारे राज्य को ले जाना है। तो आज क्या ऐसी डिमांड है खेल में, और अभिभावकों को क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं पेरेंट्स के लिए ही ये एक संदेश चाहूंगी कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत पुरानी कहावत है जी, स्ट्रॉन्ग बॉडी हैज स्ट्रॉन्ग माइंड। यस, अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट बच्चे लोग की जी, तो माइंड भी उतना स्टेबल नहीं होगा। मैंने अभी तक 15 मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, तो वो गले में मेडल होना, हाथ में फ्लैग होना और आंख से पानी निकलना, घर पे बेटा पैदा होता है ना, उससे भी बड़ी खुशी वो होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये डिटर्मिनेशन हर बच्चों में इन अ पॉजिटिव एंगल विथ डिसिप्लिन डेवलप किया जाए, ताकि एक टारगेट बना के चले। इट्स सेड ना कि शूट अमंग द स्टार्स, इवन इफ यू मिस इट विल लैंड ऑन मून। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं है पर नेशनल लेवल पे या किसी को वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए प्रेरित करोगे, सो दिस इज ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वन शुड गिव पेरेंट्स एंड द स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ। हमारे देश में बहुत ज्यादा फोकस एजुकेशन को करते हैं जी। उस वजह से थोड़ा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बच्चों का कम होता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान हो, जो गलत नहीं है जी। लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में ये नोटिस किया है कि इतने सारे प्रोग्राम और स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है जिसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ती है बच्चों की। तो माँ बाप को मैं ये कहूँगा, आपको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे में डेडिकेशन है, आप उनको अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी होती है, साथ में खेल भी सकते हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ा है। जैसे हमारे गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में बहुत सारी स्कीम है और उसमें बच्चों को बहुत सारी फाइनेंशियल एड दी जाती है, उनको फॉरेन ट्रैवल करने के लिए पैसे मिलता है, उनको कोचिंग के लिए पैसे मिलता है। खेल महाकुंभ और स्कूल गेम जैसी जो हमारी स्टेट की इवेंट है, उनमें भी काफ़ी कैश अवार्ड दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं,
डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतने वाले बच्चों को 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की मंथली, मतलब देर इज नो वे वाई पेरेंट्स शुड शाय अवे. अब जो नंबर की रेस में भाग रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, नहीं होता. मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनका फ्यूचर सेफ है. जी. हर बार हम क्लास में आके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर अभी बच्चे का एग्जाम है तो अभी क्लास में नहीं आएगा, वो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा उसको साइड कीजिए एक साल के लिए. तो मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरी खुद की डॉटर की सर को पता है, वो फिलहाल अभी कॉलेज में है, वो 12th स्टैंडर्ड में थी तो भी मैंने उसको इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया और 2 गोल्ड जीत के आई. वाओ, ठीक है, ग्रेट. और 12th में भी काफी अच्छे परसेंट से वो पास हुई और फिलहाल अभी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया वो इस सर्टिफिकेट के बेस पे. तो पढ़ाई जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पेरेंट्स को कि पढ़ाई मत करे करवाई, उस पर फोकस मत कीजिए. करना जरूरी है, पढ़ाई करेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ेगा इंडिया ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके बच्चों में जो टैलेंट है उसको मत दबाइए. बड़ौदा की एक लड़की है, शेवी दलाल है नाम उसका, अभी वो इंडिया की टॉप है. एंड वो नवरचना स्कूल में पढ़ती है और वो इतना ट्रैवल करती है कि उसको एक दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता. अच्छा. वो सिर्फ एग्जाम देने जाती है और वो पूरा दुनिया ट्रैवल करी. वो उसकी एज 15 साल है, वो 10th में आई है, स्कूल ने उसको फुल परमिशन दी है. वो पिछले 4 साल से इंडिया में नंबर 1 है, एक भी दिन स्कूल नहीं जाती, टेल यू द ट्रूथ, हर एग्जाम देती है और उसमें हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है. वाओ, एंड दैट्स रियलिटी. ये इसलिए होता है बिकॉज पेरेंट्स का उस तरीके का सपोर्ट है. उसके कुछ स्टडीज साथ में जब ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी बुक्स पढ़ती है, उसके जो भी क्लास वर्क होते हैं वो सब करती है, और पढ़ाई करने के टाइम में पढ़ाई और बाकी के टाइम में वो अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग करते हैं. कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराइए जी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको फिजिकल फिटनेस लेनी है, आप स्पोर्ट्स कराइए, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराइए. चाहे आपका बच्चा प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है या नहीं है, रीजन बिहाइंड बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट से बाउंस बैक. ये जो बाउंस बैक वर्ड है, हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, IITs में जा रहे हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो फेलियर हो गया तो सुसाइड केस बढ़ रहे हैं. वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे के पास बाउंस बैक करने की कैपेसिटी नहीं है. और कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है वो आपको बाउंस बैक करना सिखाता है जी. क्योंकि हर गेम में, हर एक मैच में या तो आप जीतेंगे या फिर हारेंगे, तो ये जीत हार का जो फासला है, बच्चा कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जब करता है तो वो भूल जाता है कि ठीक है हार होगी, ओके, वो डाइजेस्ट करना सीखता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और बाउंस बैक करूंगा, मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा, इस बार हारा कोई अच्छा खेलूंगा. तो ये जब बाउंस बैक करने की जो उसकी सोच है, उसकी जो मेंटेलिटी है, वो स्ट्रांग हो गई एक बार, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आपका बच्चा कभी पीछे नहीं रहेगा. तो वो डिफरेंस भूल जाएगा व्हाट इज विनिंग एंड व्हाट इज लूजिंग. और यहाँ जहाँ डिफरेंस खत्म हो गया तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे जोन में चलेगी एंड ही फील वेरी पॉजिटिव. तो मेरा सभी अभिभावकों से ये निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है कि आप कैसे भी करके अपने बच्चे को चाहे 1 घंटा या 1/2 घंटा कोई कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराइए जिसमें वो ये सब चीज सीखे, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी करें, एंड देन आप देखेंगे कि उसमें लाइफ में उसका कैसे चेंजेस आते हैं. जी, लक्ष्मण सर आप क्या कहेंगे? बस इन लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी हमारे देश में, मैं फक्त वडोदरा गुजरात की बात नहीं करता, जी जी, पूरे देश में अभी खेल कूद के बारे में जो एक माहौल खड़ा हुआ है जी, उसको आगे ले जाने का ये दायित्व सबका है. फक्त कोचिस है अथवा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों का नहीं है, माँ बाप का है, बच्चों का है. और हमारे यहाँ ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होना चाहिए और वो 100% होगा, क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा हूँ, यानी हमारे जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो कुछ कर रहे हैं उससे स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा. और 128 साल के ये ओलंपिक के जो एक ओलंपिक का पीरियड अथवा ओलंपिक 128 साल पहले जो मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ है, उसमें हम अभी जैसे जानते हैं कि अभी तक अमेरिका ने 1,000 से ज्यादा मेडल उनको मिले हुए हाँ. आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज तक हमारे पास 100 से भी कम मेडल्स है. तो ये जो अभी ये हो, जो कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो ये जो कल्चर आ रहा है वो कल्चर को हम सभी मिलके ऐसा डेवलप करें कि आने वाले जैसे 2036 के हम जो बात करते हैं, तब तक हम 100 से भी ज्यादा मेडल
लेकर आए, लेके आएंगे और वो जो क्रॉस कर देंगे कि ट्रिपल फिगर में हमारी भारत की जो खेल कूद में पर्सनालिटी है वो ट्रिपल थ्री फिगर को क्रॉस करके हम 100 से भी ज्यादा मेडल मिलवा सकते। वैश्विक हॉस्पिटल कितना इक्विप्ड है स्पोर्ट्स इंजरी के लिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो आप काम करते हैं उसके लिए? स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर जैसे दिल्ली में सफदरगंज में जी, इंडिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बना। तो अगर देखा जाए तो मेरे करियर में भी हमने उसी को रेप्लिकेट करने का हमने कोशिश किया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कोई भी स्पोर्ट्समैन आया तो उसको ऑपरेशन की जरूरत है, नो, ही रिक्वायर्स अ गुड स्पोर्ट्स डाइटिशियन, ही रिक्वायर्स गुड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट, ही रिक्वायर्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर ही कैन हैव दोज काइंड ऑफ फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर ही कैन डू सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग। अगर स्पोर्ट्स इंजरी होता भी है तो वी हैव गॉट आर्थ्रोस्कोपिक ट्रॉलीज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटीज, लाइक आपके जो 4K HD कैमराज होते हैं तो वो सब वेल इक्विप्ड, वी कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ इंजरी ऑफ एनी ज्वाइंट एंड वी आर इक्विप्ड विथ नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंटेशन बट अ काइंड ऑफ समटाइम। कई बार क्या होता है कि चलो हम सिर्फ लिगामेंट इंजरी लेके बैठे हैं, मैं बात करूंगा 17 साल की लड़की की, क्रिकेट खेलते उसको इंजरी हुई थी, 17 इयर्स ओल्ड गर्ल, तो ACL के लिए हमने जैसे ही दूरबीन डाला तो हमने देखा कि ACL तो टॉर्न है लेकिन उसका जो मेनिस्कस है वो पूरा उखड़ गया है, उसको रूट टायर बोलते हैं। अभी आपके पास स्किल है लेकिन आर्मामेंटेरियम नहीं है, इम्प्लांट नहीं है, तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे जी? तो ऐसे कई सारी चीजें ड्यूरिंग सर्जरी सडनली यू फेस एंड मैनी थिंग्स हमें MRI में भी मालूम नहीं पड़ते। तो वैश्विक हॉस्पिटल इज इक्विप विद ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड स्किल टू टैकल इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर एंड आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर एज वेल। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वैश्विक हॉस्पिटल इज नाउ एक्रेडिटेड बाय इंडियन आर्थ्रोस्कोपिक सोसाइटी as one of the only center in Gujarat. Great. For management of not only sports injury but joint preservation as well. Oh wow. In the field of arthroscopy as well and in the field of training orthopedic surgeons how to tackle the sports injury and do the surgery for them. So this is something after 20 years in my career Vaishis Hospital has achieved. Yeah, thank you. Very good. तो मैं तो यही कहूंगी कि वडोदरा शहर में इतने अच्छे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं और इतने अच्छे स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स इंजरी में मास्टरी है जिनकी, तो एटलीस्ट हम गुजरात के सभी लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीखें, किस तरह से हमारे देश का नाम, हमारे राज्य का नाम रोशन करें, जब हमारे घर से हर बच्चा एक स्पोर्ट में बाहर निकलेगा, तभी 36 वाला जो लक्ष्मण सर का जो एक अचीवमेंट की वो सोच रहे हैं, उनकी जो उनका जो सपना है वो पूरा हम सब कर पाएंगे। तो सभी अभिभावकों को एक बार फिर मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, ताकि उसका हौसला बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा पेरेंट्स की ही जरूरत होती है, बस उतना कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सबका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस इसी तरह VNM TV देखते रहे, ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए जुड़े रहे VNM TV के हर प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।